मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बावजूद भी डिंडौरी में खुलेआम शराब बिक रही है। शराब माफिया बस स्टैंड से लेकर छोटी मोटी दुकानों तक धड़ल्ले से शराब बेच रहे हैं। जब इस बारे में पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में टीम गठित कर दी गई है, लगातार कार्रवाई हो रही है। ये तो साफ हो चुका है कि शराब माफियाओं को पूरा पूरा शासन प्रशासन का समर्थन मिल रहा है। माफियाओं का धंधा पुलिस की देखरेख में ही फल फूल रहा है। डिंडोरी SP संजीव सिन्हा ने इस मामले में कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया है। टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो पुलिस वाले शराब पीते पाए गए थे उन पर भी कार्रवाई की गई है। कार्रवाइयां रोज हो रही है। कल ही एक टीम बनाई गई है, आबकारी विभाग और पुलिस की एक संयुक्त टीम बनाई गई है और रेगुलर कार्रवाइयां चल रही हैं। जो शिकायतें मिलती हैं उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो हमारे आरक्षक जो कल मिले उनका मेडिकल करवाया गया, रिपोर्ट आने पर उनको उचित वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। शाम ढलते ही शराबियों का अड्डा बन जाता है, मना करने पर हमसे ही विवाद होता है और पुलिस आती जरूर है जाँच के लिए, चेक करती है, कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ चली जाती है। सबके अपने अपने हफ्ते बंधे हुए हैं, शराब अड्डा बना हुआ है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।